रहा हूँ जिसमें मैं विक्रमगढ़ ऑल आउट स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैंने एक देखिए, अभी आपने अनाउंसमेंट सुना जैसे कि देहरादून एक्सप्रेस यहाँ पर आ रही है और उसके D3 D4 जो कोच है वो आगे रहेंगे। अभी ये जो देहरादून आ रही है ये नागदा की तरफ जा रही है, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बाद में जानकारी देता हूँ दोस्तों। लेकिन आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है विक्रमगढ़ ऑल आउट का, तो उसमें आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा वीडियो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं इसमें एक्सटेंड कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है ऑल आउट स्टेशन पर। अभी जो आप देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए मैं साइलेंट कर रहा हूँ क्योंकि एक ट्रेन यहाँ से पास हो रही है, ये देखिए, ये कोई गुड्स ट्रेन जा रही है इधर से। तो दोस्तों मैं आपको ये दोस्त जो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ उसमें तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी विक्रमगढ़ ऑल आउट की। ये इसका मेन गेट है जिधर से हम ऑल आउट की तरफ जाते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस साइड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से आप ऑल आउट की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दृश्य इधर भी दिखा देता हूँ पूरा, देखिए यहाँ पर इस लाइन के बाहर आप मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते, और यहाँ पर इधर टेम्पो स्टैंड है और यहाँ पर टेम्पो कार सब यहाँ खड़ी हो जाती है, और यहाँ से आप नागेश्वर की भी नागेश्वर नागदा महितपुर उज्जैन की कैब ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मेन गेट है और इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ कि उससे पहले एक जानकारी और दूंगा कि मेरे साथ एक मेरा भाई है जिसका भी एक यूट्यूब चैनल है, एक है निठल्ली औलाद जिसमें आप एक अच्छे वीडियो देख सकते हैं, और एक है आशु निगम, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसकी डिटेल मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा भाई है आशु निगम, मेरा एक चैनल है मेन जो आशु निगम मेरा चैनल है, और एक निठल्ली औलाद में फनी वीडियो वाइंस वगैरह बनाता हूँ, और जो आशु निगम है उसमें मैं SSC CGL से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स वगैरह और डिटेल्स डालता हूँ, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है क्या करना है उस एग्जाम से रिलेटेड। मैं एक एग्ज़ाम दे चुका हूँ CGL 19 की, उसमें मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे आशु निगम के नाम। थैंक यू दोस्तों। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ नीचे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिसमें हम बैक साइड जा रहे हैं, मतलब सामने नागदा है। ये जो ट्रेन आ रही है नागदा से आ रही है, कोटा जा रही है, यहाँ पर बैठक इस तरह से आप सेटिंग व्यवस्था है, सामने विश्रामालय और पीछे पूरा पीछे मेन स्टेशन है, यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं। ये विश्राम गृह है, वेटिंग रेस्टिंग रूम। ये जो आप देख रहे हैं ये AC का वेटिंग रूम है, मतलब यदि आपके पास 3rd AC या 2nd AC की टिकट है तो आप इसमें वेट कर सकते हैं विश्राम के। और सामने हम जा रहे हैं धीरे धीरे, ये देहरादून एक्सप्रेस खड़ी हुई है। यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें रुकती है ये एक्चुअली मुंबई दिल्ली की मेन लाइन है जो कि रतलाम से कोटा वाली लाइन के बीच में आता है विक्रमगढ़ ऑल आउट। और दोस्तों ये देखिए पूरा ब्रिज फैसिलिटी भी दी हुई है ऑल आउट स्टेशन पर, और यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म है, ये मैं जिस पे हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो गाड़ियाँ जाती है वो कोटा की तरफ जाती है, कोटा सवाई माधोपुर दिल्ली, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो गाड़ियाँ आती है वो जाती है नागदा रतलाम मुंबई पुणे की तरफ। और यदि आपको उज्जैन जाना है तो आप नागदा से चेंज करना होती है। ये देखिए काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म बना रखा है, यहाँ पर आराम से गाड़ियों की सभी कोच आ जाते हैं, डिस्प्ले भी होता है रात को। तो दोस्तों ये जो ऑल आउट स्टेशन है यहाँ पर आपको रेल वायर की वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलती है, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट हर एक स्टेशन पे वाईफाई की फैसिलिटी उपलब्ध करा रही है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी रेल वायर आपको मिल सकता है। और अब यहाँ पर जो पास में जो स्टेशन है उसमें आप यहाँ से उज्जैन जो कि हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है उज्जैन, और यहाँ से आप नागेश्वर तीर्थ जो कि जैनों का तीर्थ है वो भी यहाँ पर उतर के जा सकते हैं। यहाँ से करीब 14 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है यहाँ से, और उज्जैन यहाँ से करीब 50 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स, तो उज्जैन भी जा सकते हैं। और यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर होती है जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर राजस्थान की बॉर्डर लगती है बाई रोड, और यदि आप ये इसके पास में शिप्रा नदी और आपको कालीसिंध नदी भी देखने को मिलती है। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर पे 1 पे हूँ, सिटी में जाना है ऑल आउट सिटी में जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आना पड़ेगा जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ब्रिज का इस्तेमाल करें प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट हो बाहर जाने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ उधर कुछ नहीं है, उधर एक गाँव है और उधर विक्रमगढ़ आलाता है, उधर आपको नहीं जाना है। बैठ गया है पॉइंट, बैठ गया है नॉर्मल पे, बैठ गया है पॉइंट,
प्लेटफार्म नंबर दो की तरफ प्रेमिलागंज है और विक्रमगढ़ आता है जो कि काफ़ी कम लोग जाते हैं उधर। यदि आपको जीवनगढ़ और प्लेटफार्म नंबर दो की तरफ, और यदि आपको राइट साइड में प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ जाना है तो आपको आपको सिटी में इंटर करना है तो प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ जाना पड़ेगा। देखते हैं कौन सी है, देखना है ना, ये देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। Ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding this game. I might have to wipe you out just like you told me. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now, and you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you सर, आप फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, ये देखिए, और पूरी सेफ्टी से क्रॉस करें प्लेटफार्म नंबर टू से वन की तरफ या वन से टू की तरफ, ज़्यादा जल्दबाजी ना मचाए। और देखिए, जैसे अभी दो ट्रेन यहाँ से क्रॉस हुई तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है, इसलिए देहरादून गाड़ी को जाने के सिग्नल दे रखे हैं, चलते गाड़ी पे चढ़ने का प्रयास न करें, दरवाजे पे लटक कर यात्रा न करें। ये देखिए, तब देहरादून को सिग्नल मिल गए हैं ऊटा की तरफ जाने के लिए, और अब ये ट्रेन जाएगी यहाँ से। ये ट्रेन अभी हरिद्वार जा रही है और बांद्रा से चल के आई है, देहरादून एक्सप्रेस। आलोड स्टेशन की एक खास बात है कि ये स्टेशन आपको काफ़ी स्वच्छ और साफ दिखाई देता है। कभी भी आप यहाँ पर आइए, आपको कभी भी कोई गंदगी नहीं दिखेगी किसी भी लाइन पे या स्टेशन पे, ये खासियत मैंने देखी है। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने एग्ज़िट। वेटिंग एरिया और टिकट विंडो है, ठीक है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। दो टिकट विंडो है, हमारा आरोग्य स्टेशन है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको कौन कौन से मतलब फैसिलिटी मिलती है विक्रमगढ़ आरोग का। और अभी हम यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर एक से एग्जिट हो रहे हैं और सामने प्लेटफॉर्म नंबर दो है, तो लेट्स गो, हम बाहर की साइड चलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई ब्रदर्स चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मिस ना करें, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।